हरियाली अमावस्या के अवसर पर दूध तलाई स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर पर महारुद्र अनुष्ठान किया गया। दूध तलाई स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित कृष्णकांत जोशी ने बताया कि भगवान दूधेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शन, महादेव को सवा कुंटल नुक्ति का भोग भी लगाया गया। रात्रि 8 बजे बाबा दूधेश्वर महादेव की आरती संपन्न की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लेकर प्रसाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। बताया यह भी जाता है कि हरियाली अमावस्या महापर्व एक बहुत ही अद्भुत पर्व है। विगत 40-50 वर्षों से यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में माता बहनें एवं आसपास के श्रद्धालु पहुँचते हैं, उपस्थित होते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं एवं प्रसाद ग्रहण करते हैं। संध्या को महाआरती संपन्न की गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तगण शामिल हुए और बाबा का दर्शन लाभ लिया, प्रसाद ग्रहण किया। पंडित कृष्णकांत जोशी, पंडित मुरली मनोहर जोशी द्वारा महाआरती संपन्न की गई। आज मतलब सुबह से बाबा के दरबार में भक्तों का बहुत ही आगमन हो रहा है, अधिकतम बहुत भीड़ है। सुबह से प्रसाद वितरित किया जा रहा है और आज हरियाली अमावस्या पर्व का जो महत्व है वह यहाँ पे धानी मुख्य का महत्व है। यहाँ कुंड के अंदर कुमारी कन्या ज्वारे विसर्जित करती है, उसके बाद में एक कन्या दूसरी कन्या के मुख में धानी खिला के अपने उपवास का विसर्जन करती है, जो ज्वारे ठंडे करती है, वो उसका है क्या महत्व है। कितने दिन का उपवास रहता है क्या? ये उपवास रहता है एकम से लेके तो अभी अमावस्या तक का। जो इच्छा मन वर प्राप्ति के लिए कन्याएं रखती हैं, कुंवारी कन्याएं, कि उनको मन इच्छा वर प्राप्त हो, इसलिए वर रखती हैं कन्याएं और यहाँ आके अपना व्रत खोल के व्रत को संपन्न करती है। कितने बजे सुबह आरती हुई, शाम को कितने बजे आरती हुई? सुबह बाबा का महामृत्युंजय अभिषेक किया, पंचामृत अभिषेक हुआ और सुबह प्रातःकाल आरती हुई। अभी संध्या को महाआरती रखी गई है, जिसमें समस्त भक्तगणों द्वारा बाबा की महा